अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, नसीम फूड इंडियन रेसिपी आप सभी का वेलकम करती हूँ दिल से। आज मैं बना रही हूँ कीमा दाल गोश रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं दाल गोश रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कीमा दाल गोश रेसिपी। मैंने कीमा लिया है मटन का और है मसूर की दाल, और तोर की दाल को मैंने आधा घंटा पहले धो के भिगो के रखी थी, और है जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, प्याज ली हूँ बारीक से कट कर ली हूँ। चलिए बनाते हैं। कुकर को मैंने रख लिया है, अब डालते हैं इसमें तेल, दो बड़े चम्मच जितना मैं तेल डालती हूँ, बिल्कुल भी स्कीप मत करना, फुल वॉच करिएगा, पूरा देखना इस वीडियो को आगे तक, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ये देखिए मैंने तेल को डाल दिया है, और थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो मैं थोड़ा ज़्यादा डाली हूँ, आप चाहे तो कम डाल सकते हो, दो चम्मच जितना डाली हूँ बड़े चम्मच से, ये देखिए। चलिए अब डालते हैं खड़े मसाले, लौंग चकला और हरी इलायची है, आप चाहे तो मोटी इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी इलायची। थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ेंगे खड़े मसालों को। उसके बाद डालते हैं प्याज, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने एक बड़े से इसकी प्याज को राउंड शेप में कट कर ली हूँ, अब इसको डाल दिया है, थोड़ा कलर चेंज होने तक इसको भून लेते हैं तेल में, ज़्यादा नहीं भूनना है, गोल्डन कलर के आने तक भूनेंगे तो आपका दाल गोश्त मीठा बन जाएगा, हमें तीखा चाहिए इसलिए। ये देखिए मोटा नमक, सिंधा नमक बोलते हैं इसको, आप चाहे तो आपके पास ये नहीं है तो बारीक नमक भी डाल सकते हैं आप, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है, मैं इस नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ तो टेस्ट इससे भी और थोड़ा बढ़ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से इसको भून लेते हैं प्याज को, ये देखिए मटन को डाल देंगे, मैंने प्याज डाल के मटन को अच्छे से धो लिया है, प्याज डालने से मटन में स्मेल नहीं आती है, मटन कीमे में, और जब भी जो भी धोते हैं गोश्त या चिकन मटन प्याज डाल के धोइएगा तो अच्छे से वॉश हो जाएगा और स्मेल भी नहीं आएगी, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कीमे को डाल दिया है, अब थोड़ा ही डाला है, देखिए मैंने पूरा कीमा डाल दिया है इसमें, अब पकने भी लगा है, अब इसमें डालते हैं मसाले, और एक हल्दी पाउडर होममेड है, और ये सब सारे मसाले होममेड है, गरम मसाला, धनिया मसाला, हल्दी। ये देखिए पकना स्टार्ट हो गया है कीमा, एक चम्मच जितना मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, ये देखिए गरम मसाला होममेड है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब डालते हैं इसमें धनिया मसाला, ये धनिया पाउडर भी मैंने घर में ही बनाया था, तो थोड़ा शाजीरा और धनिया को भून के पीस लिया है तो टेस्ट अच्छा आता है, आप भी ऐसे ही करना। देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, मैंने थोड़ा कोथमीर ऐड किया है इसमें, डाल के पीस ली हूँ, चाय के चम्मच से चार चम्मच में डाल रही हूँ कोथमीर। चलिए फ्रेंड्स मैंने डाल दिया है, अब थोड़ा पानी ऐड करते हैं इसमें, यह लाल मिर्च पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आपको नहीं बता पाई मैंने थोड़ा पानी डाला है इसमें, कीमा लग रहा था इसलिए। ये देखिए फ्रेंड्स अच्छे से मिक्स कर ली हूँ, लीड को अच्छे से बंद कर लेंगे और सीटी लगा लेंगे, इसके चार सीटी होने तक वेट करते हैं। फ्लेम को मैंने बढ़ा लिया है, मसूर की दाल और तोर की दाल को मैंने अच्छे से धो के निकाल लिया, अब इसमें डाल देते हैं, चार सीटी हो गए थे कीमे के, अब मैं दाल को ऐड कर ली हूँ, ये देखिए फ्रेश पुदीना और कोथमीर धनिया पत्ता है इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करना है, माशाल्लाह से खुशबू बहुत अच्छी आ रही है।
अब डालेंगे पानी। आप ग्रेवी रखना चाहते तो रख सकते हो चपाती और रोटी के साथ खाने के लिए। मेरा इसमें खाने के लिए बनाई हूँ तो मैं पानी ऐड की हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से कलर भी बहुत अच्छा आया है। इसको आप चिकना हट नहीं चाहते तो थोड़ा सा तेल कम डालिएगा। मैंने फ्लेम को हाफ करके थोड़ा कम करके रखा था फ्लेम को, तो चिकना ऐसा तेल का छूटा है। आप भी ऐसे करिएगा तो अच्छा सा कलर आ जाएगा। धनिया पत्ता डाली हूँ लास्ट में। माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी बना था। आप ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, कीमा दाल गोश्त रेसिपी। चलिए फ्रेंड्स, डिश आउट कर लेते हैं। फिर से एक बार देख लिया, डिश आउट कर ली हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक करना। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दुआ में याद रखिएगा। आप लोग अपना ख्याल रखना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।